हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग इजल। तो गाइस, आज की पजल्स हम लोग करने वाले हैं। आज भी हम लोग करेंगे यहाँ पे सिक्स पजल्स, और सिक्स के सिक्स पजल्स हमारे डिफरेंट रहने वाले हैं। आज की जो पजल्स हैं वो रहेंगे बेसिक टू मॉडरेट लेवल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा आप लोगों को ये वीडियोज कैसी लग रही हैं, और अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग इस जीमेल आईडी के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल द लर्निंग इजल भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 पर्सन है हमारे पास, 3 रोज में बैठे हैं। रो 2 इज बिहाइंड ऑफ रो 3 एंड इन फ्रंट ऑफ रो 1। इन फ्रंट ऑफ रो 1 और बिहाइंड ऑफ रो 3, तो इसका मतलब है कि हमारे पास थर्ड रो इधर आएगी, सेकेंड रो इधर आएगी और फर्स्ट रो इधर आएगी। इसी तरह से हम लोग बना पाएंगे इसको, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन इन रो 1। रो 1 के अंदर 3 पर्सन है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं साइड पे। 6 पर्सन इन रो 2, इसमें 6 पर्सन है और इसमें भी कितने हैं, 3 पर्सन। 3 पर्सन इन रो 3। 3 पर्सन इन रो 3 आर इन फ्रंट ऑफ 3 पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ रो 2। ओके, यहाँ पे 6 पर्सन हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है जो लेफ्ट से 3 लोग हैं उनके फ्रंट में बैठे हुए हैं रो 3 के लोग, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। एंड 3 पर्सन इन रो 1 आर बिहाइंड द 3 पर्सन फ्रॉम राइट एंड ऑफ रो 2। राइट एंड ये हो गया, तो यहाँ से 3 लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सभी लोगों ने नॉर्थ फेस किया है, मतलब सबका लेफ्ट ये और सबका राइट ये आने वाला है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब के जो है बिल्कुल कहाँ पे बैठने वाला है, कॉर्नर पे। कौन से कॉर्नर पे, लेफ्ट। अब मेरे पास 3 पोजीशंस है के की, 1, 2 और 3। अच्छा, के इज एग्जैक्टली बिहाइंड, के जो है एकदम से पीछे है किसके, द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। जे के जो लेफ्ट में पर्सन है उसके पीछे कौन बैठेगा, के। तो इसका मतलब थर्ड वाली रो में तो नहीं आ सकता, सेकेंड रो बची और फर्स्ट रो बची। आगे चेक करते हैं। ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में 2 पर्सन आएंगे। बेटा अगर जे और एफ में 2 पर्सन आएंगे और अगर मैं के को यहाँ रखूँ और तो जे यहाँ आता है, तो क्या जे एफ बन पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब कॉर्नर वाला के ये होगा, जे के इमीडिएट लेफ्ट को फेस करता है के, उसके बाद 1 और 2 के गैप पे यहाँ आ जाएगा एफ। देखो यहाँ तक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी हमने सारी की सारी फिल कर दी। अच्छा, आगे क्या लिखा है, एफ इज एग्जैक्टली बिहाइंड बी, और एफ जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड किसके पीछे बैठा है, बी के पीछे बैठा है। एक और पोजीशन कंप्लीटेड, सी हु सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड जी, जी के एकदम से पीछे बैठा है सी। आगे लिखा है सी हु सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड जी कॉमा, तो इन कॉमास का मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में है, ठीक है। अगर यहाँ हु होता तो जी को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ कॉमा है तो सी को रिप्रेजेंट करेगा। सी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए, सी जो है वो ए के कहाँ बैठ रहा है, सेकंड राइट में, ठीक है जी। चलिए, तो इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे बन सकती है, सिर्फ इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं ए रखूँ तो सी नहीं बना पाऊंगी, यहाँ ए रखूँ तो सी नहीं बना पाऊंगी, तो जी के नीचे यहाँ पे सी नहीं रख सकते, तो ए की पोजीशन बची जी सी और ए के सेकेंड राइट में सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जे, और सी जो है वो जे के सेकेंड लेफ्ट में, क्लियर हो गया। एल इज एग्जैक्टली बिहाइंड ई, एल जो है वो ई के एकदम पीछे, यहाँ ई रखा तो एल नहीं आएगा, ई के एल नहीं आएगा, तो ई और एल के लिए यही पोजीशन बची। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एच इज नॉट इन द सेम रो एज जे के, जे और के की रो में एच नहीं आएगा, तो एच के लिए सिर्फ बची थर्ड रो। आई एंड ए आर सिटिंग इन द सेम रो, आई और ए सेम रो में बैठते हैं, तो ए की पोजीशन खाली है, यहाँ पे ए रख आई रख देते हैं और बचा कौन, डी। हु सिट्स नेक्स्ट टू के, के के अगले कौन बैठा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये पजल भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पर्संस हैं और ये 3 प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। ये टेबुलर पजल है ना, जिसमें हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में हमें ये 3 डिफरेंट प्लेसेस को ही बेस लेना होता है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड भी तो देखनी है ना। तो ये मेरे पास आ गए 3 पोजिशंस, ठीक। अच्छा लिखा है नॉट मोर देन 3 पर्सन बिलोंग टू सेम सिटी, तो 8 लोग हैं तो 2 में हमारे पास 3-3 हो जाएंगे और 1 में 2 होंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा लोग 1 में हो नहीं सकते। Q belongs to Kolkata, U belongs to Dehradun, सिंपल सा है। V doesn't belong to Mangalore, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ।
एसवी बिलोंग्स टू सेम सिटी, एस और वी दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, आर के बिलोंग टू डिफरेंट सिटी, आर और के डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, नॉट इक्वल्स मीन्स सेम नहीं आएंगे, आर के नहीं आर टी सॉरी आर और टी, टी डजेंट बिलोंग टू देहरादून, टी जो है वो देहरादून से बिलोंग नहीं करता, क्यू टी बिलोंग टू डिफरेंट सिटी, अब इसके अलावा आर टी के साथ भी नहीं रहता और क्यू टी के साथ भी नहीं रहता, अब देखो यहाँ पर क्यू है तो टी इधर नहीं आ सकता, देहरादून में वैसे टी नहीं आ सकता, तो टी के लिए कौन सी पोजिशन बची, सिर्फ मैंगलोर वाली, आगे लिखा है नॉट मोर देन टू पर्सन बिलोंग्स टू मैंगलोर, मैंगलोर में सिर्फ दो ही लोग आएंगे, तो मतलब एक और पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है, W एंड T बिलोंग्स टू सेम सिटी, तो W और T सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, तो W इधर आ गया, तो मैंगलोर की पोजिशंस हो गई कंप्लीट, अब जो बाकी के दो सिटीज हैं वहां पे तीन तीन लोग बैठने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए P डजंट बिलोंग्स टू कोलकाता, तो P कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे, अब देखो ये वी एस कहाँ आना था, साथ में, तो साथ में बिठाने के लिए मेरे पास यही जगह बची, क्योंकि यहाँ पर तो दो की पोजिशन खाली नहीं है, अब बचा कौन, एक ही पर्सन बचा, दैट इज आर, इसी सा था, आसानी से बन जाते हैं जब आप लोग क्या करते हैं छोटी जगहों को, मतलब जहां पे कम टेबल बनेगा उसको हम पिक करेंगे, पी के साथ सेम प्लेस पे कौन रहता है, तो बेटा यू रहता है और आर रहता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन पर्सन है, सेवन डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, तो सेवन डिफरेंट सिटीज हैं, सेवन ही पर्सन है, सेवन ही स्टेट कंपनीज हैं, तो इसको हम लोग नाम से ही बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अच्छा लिखा है बी लाइक्स बी एल कंपनी, बी को कौन सी कंपनी पसंद है, बी एल, डी बिलोंग्स टू चाइना, डी को क्या पसंद है, कहाँ से बिलोंग करता है, चेन्नई से, सॉरी वन हु बिलोंग्स टू मुंबई लाइक्स जी आर कंपनी, मुंबई वाले को कौन सी कंपनी पसंद है, जी आर, एंड वाई ई कंपनी बिलोंग करता है हैदराबाद से, ठीक है, तो जी लाइक्स डब्ल्यू एच कंपनी, जी को पसंद है डब्ल्यू एच कंपनी, बेटा वीडियोस पसंद आती हैं तो बहुत सारा प्यार दे दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, एफ जो है वो मुंबई और हैदराबाद दोनों से बिलोंग नहीं करता, तो इन दोनों से एफ को बिलोंग नहीं करने वाला। अच्छा ए ई लाइक्स नीदर जी आर और बी एल के कंपनी, ए की बात करें या ई की बात करें तो ये दोनों ही जी आर भी पसंद नहीं करते और बी एल के भी पसंद नहीं करते, जी बिलोंग्स टू पुणे, अब जी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, पुणे से, वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई डजंट लाइक बी एल के कंपनी, अब अगला जो हमारा चेन्नई वाला है मतलब ये डी, ये भी बी एल के कंपनी को लाइक नहीं करता, आगे लिखे डी ई डजंट लाइक पी आई कंपनी, डी ई इसको भी पी आई कंपनी पसंद नहीं है, वन हु लाइक्स पी आई कंपनी एंड वन हु लाइक्स बी एल कंपनी डजंट बिलोंग टू बेंगलुरु, तो पी आई वाला और बी एल वाला ये दोनों कहाँ से बिलोंग नहीं करते, बेंगलुरु से, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, क्लब करनी पड़ेगी, और बी जो है वो हमारा कोलकाता से बिलोंग नहीं करता, तो बी जो है हमारा कहाँ से बिलोंग नहीं करता, कोलकाता से, चाहे तो आप इन्फॉर्मेशन इधर लिख लीजिए, चाहे तो आप राइट साइड पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल डिपेंड्स अपॉन, चलिए अब कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, मेरे पास खाली प्लेसेस कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर, फोर खाली प्लेसेस क्यों देख रही हूँ, जहां पे मैं इस पूरे को फिट कर सकती हूँ, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यही होती है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास एफ की पोजीशन चली गई, क्योंकि एफ ये दोनों को ही बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी, सॉरी अच्छा ए ई और एफ ये तीनों जी आर कंपनी को बिलोंग नहीं करते, ए निकल गया ई निकल गया एफ निकल गया, तो बेटा जी आर के लिए यही पोजीशन बची, जी आर मुंबई, बताइए, ठीक है ये जी आर की पोजीशन यहां से चली गई, ठीक है, ठीक, चलिए डी ई दोनों ही पी आई कंपनी से बिलोंग नहीं करते, ना तो यहाँ पे पी आएगा ना तो यहाँ पी आएगा, तो पी आई के लिए एक पोजीशन बची एफ वाली, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ, एक ए की पोजीशन बची और एक एफ की पोजीशन बची, ये भी डन, ठीक है, एफ को हैदराबाद वाई ई पसंद नहीं है, तो एफ के लिए कौन कौन सी पोजीशंस बची, सॉरी हैदराबाद के लिए कौन सी पोजीशंस बची,
ना तो ये एफ के पास आ सकता है, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी पोजीशन बची, ए और ई की, ठीक है। और हैदराबाद वाला वाई कंपनी में जॉब करता है, मैं इसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में चेंज कर रही हूँ एक तरह से, ठीक है। ए और ई ये दोनों ही बीएलके से बिलोंग नहीं करते, यहाँ भी बीएलके नहीं आ सकता, यहाँ भी बीएलके नहीं आ सकता, एक पोजीशन गई बीएलके की, ये भी गई बीएलके की, ये भी गई बीएलके की, तो बेटा बीएलके के लिए कौन सी पोजीशन बची, सिर्फ एफ। अब देखो पीआई के लिए एफ पोजीशन कैंसल आउट हो गई, तो ए के लिए कौन सी पोजीशन बची, पीआई के लिए पीआई कंपनी बची। यहां तक समझ में आया? चलो अब ए की कंपनी भी गई तो हैदराबाद के लिए बचा सिर्फ ई, तो ये आ गई मेरे पास वाई ई कंपनी और हैदराबाद, ठीक है। तो जब आपने आराम से लिखा होगा तो सारी इंफॉर्मेशन आसानी से कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक कंपनी बच गई है मेरे पास, कौन सी बची है, पी आई बी एल आर ई, आर ई बची है ना, तो यहाँ आ जाएगी मेरे पास आर ई, ठीक है जी। चलिए पी आई और बी एल ये दोनों पे बेंगलुरु नहीं आ सकता, तो बेंगलुरु कहाँ जाएगा इस पोजीशन पे। अब कहा है कि बी को कोलकाता नहीं, मतलब बी जो है वो कोलकाता में से बिलोंग नहीं करता, तो ए कहाँ से बिलोंग करेगा, कोलकाता से, बच्ची कौन से सिटी, दिल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी, अच्छा से इसको क्लब करना था और आराम से बनाना था, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, बिलोंग करता है दिल्ली से बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 8 लोग हैं यहाँ पे जो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी पूछा जाता है जब आपके पास पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है, तो इस केस में मैं पहले ही दो केसेस बना लेती हूँ, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड अगर तो मुझे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं दो से स्टार्ट कर लूंगी। ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ओ एन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन और ये दोनों ही अपोजिट फेस करते हैं, क्यू सेट सेकेंड राइट ऑफ ओ के सेकेंड राइट पे क्यू बैठेगा, एस इज फेसिंग इनसाइड, एस जो है वो इनसाइड फेस करती है, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, आर जो है वो एम का नेबर नहीं है, बट किसके लिए यूज हो रहा है, आर के लिए, आर सेट सेकेंड टू राइट ऑफ पी, लेकिन पी के सेकेंड राइट में आर बैठा है, ठीक है। पी इज नॉट फेसिंग इनसाइड, तो इसका मतलब पी इज फेसिंग आउटसाइड, पी कहाँ पे फेस कर रहा है, आउटसाइड। मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, पी इज फेसिंग आउटसाइड एंड इसके सेकेंड राइट में आर बैठा है, इज इट क्लियर यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इज फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब कि 4 पर्सन आर फेसिंग इनसाइड एंड 4 पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड। P doesn't sit immediate left of N. P जो है वो N के एकदम से लेफ्ट में नहीं बैठेगा, बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पे मतलब N नहीं आ सकता। आगे लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स, सॉरी N who sits second to left of M. N जो है वो M के सेकेंड लेफ्ट में है, और M who faces T, और M जो है वो किसको फेस कर रहा है, T को। बेटा यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन निकलती है, अगर मैं किसी को फेस कर रही हूँ तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, विच मीन्स M जो है वो कहाँ पर फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन T के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि T की फेसिंग किधर है। नाइदर क्यू नॉर एस इज एडजेसेंट टू एन, ठीक है। लिखा है क्यू और एस ये दोनों ही एडजेसेंट नहीं है एन के, एन के साथ ये दोनों ही बैठना पसंद नहीं करते। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ओ के दोनों ही नेबर्स कहाँ पर फेस करते हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है जी। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए तो एक पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, वहीं से शुरू करते हैं। लिखा है कि आर एम के साथ नहीं बैठता, तो बेटा ये देखो ये पोजिशन जहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ, यहाँ पे एम नहीं आ सकता, यहाँ एम नहीं आ सकता, इसके अलावा एम के सामने टी बैठता है, तो क्या यहाँ एम आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या यहाँ एम आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे पास इन टोटल 1, 2, 3 एंड 4 फोर पोजीशंस जो है वो एम की क्रॉस आउट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक फोर पोजीशंस जो है वो कैंसल आउट हो चुकी हैं। अच्छा बची कौन सी 2 पोजीशंस, एक ये एम की पोजीशन बची और एक ये एम की पोजीशन बची, ठीक है। चलिए आगे लिखा है एम इज फेसिंग इनसाइड, अगर मैं एम को यहाँ बनाती हूँ, एक बार बना के दिखा देती हूँ, एम इज फेसिंग इनसाइड करती हूँ तो सेकेंड लेफ्ट में एन आता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स कि एम की ये पोजिशन कैंसल आउट हो गई,
ये भी चली गई, तो बची कौन सी? सिर्फ ही। एंड एम इज फेसिंग इनसाइड और उसके सेकेंड लेफ्ट में एन है, ठीक है। एम के सामने टी है, देखो अभी तक तो मुझे दूसरे केस को टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहां तक क्लियर? एन के एकदम से लेफ्ट में, सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट, एन के एकदम से लेफ्ट में बोला है, ठीक है, तो मुझे टू केसेस बनाने पड़ेंगे। चलिए बना ही लेते हैं। यहाँ पे पी आउटसाइड फेसिंग आर, एक बार मैंने एम को यहाँ लिया इनसाइड फेसिंग, तो यहाँ आ जाएगा मेरा एन, ठीक है। यहाँ तक और तो कुछ भी नहीं बनाया ना हमने, पी और एम के सामने टी। चलो टू केसेस बन गए, एक हमारे पास एम यहाँ आ गया, एक बार एम यहाँ आ गया, बाकी पोजिशन हम ऑलरेडी कैंसल आउट कर चुके हैं, ठीक है जी। पी के सॉरी एन के एकदम से लेफ्ट में पी नहीं हो सकता, तो एन के एकदम लेफ्ट में पी नहीं हो सकता तो इसको आउटसाइड फेसिंग करना पड़ेगा। एन के एकदम लेफ्ट में नहीं हो सकता तो इसको इनसाइड फेसिंग करना पड़ेगा। ये भी क्रॉस हो गया, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया, जो जो बनता जाता है उसको हम काटते जाएंगे, ठीक है। ओ और एन में दो लोग बैठेंगे, वन टू छोड़कर ओ इधर आ सकता है, वन टू छोड़कर ओ इधर आ सकता है, लेकिन ओ के सेकेंड राइट में क्यू भी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ ओ बनाऊं तो सेकेंड राइट में क्यू इधर बन सकता है, तो मेरे पास दो पोजीशंस अभी भी ओ के लिए बच जाती हैं, ठीक है। लेकिन एन अगर यहाँ पे इनसाइड फेसिंग है तो ओ को यहाँ आउटसाइड फेसिंग देना पड़ेगा और सेकेंड राइट में क्यू बन जाएगा। यहाँ पे आउटसाइड फेसिंग है तो ओ को इनसाइड फेसिंग देना पड़ेगा। क्या सेकेंड राइट में क्यू बनाने की जगह है? नहीं। यहां से दो छोड़कर ओ आ सकता है? बिल्कुल नहीं, तो सेकेंड केस तो मेरा यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओ और एन दो का गैप, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, ओके सेकेंड राइट में क्यू, ये भी हमारा डन हो गया, ठीक है। एस इनसाइड फेस करेगा, लो जी यहां तक हमारे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। क्यू एस एन के साथ नहीं बैठेंगे तो क्यू एस एन के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि हम लोग इजीली चेक कर सके कि हमने सही बनाया है कि गलत। एस इनसाइड है, ठीक है। ओ के नेबर सेम फेस करते हैं, तो अगर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा, वन इनसाइड टू इनसाइड थ्री इनसाइड फोर इनसाइड, तो इसका मतलब जो बाकी के दो बच के वो कहाँ फेस करेंगे? अपोजिट फेस करेंगे, ठीक है। तो हु सिट्स अपोजिट टू क्यू? आंसर इज आर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछती, हु फेसेस क्यू, ठीक है, या फिर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, क्यू इज फेसिंग हूम, क्यू इज फेसिंग हूम, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? नो वन, ठीक है, क्योंकि क्यू आर के अपोजिट बैठा है लेकिन ही इज नॉट फेसिंग आर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप आपको ये सेट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगेन 9 persons हैं, 3 parallel rows हैं, तो पैरेलल हैं तो बराबर से बन जाएंगी। चलिए रो वन इज नॉर्थ ऑफ रो टू, इसका मतलब ये आ गई मेरे पास फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, डब्ल्यू जो है वो आर के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, वी इज बिहाइंड डब्ल्यू। अच्छा मैं इसको ऐसे करती हूँ, ड्रॉ करने की फॉर्म में साइड पे ड्रॉ कर दी जाती है ना, तो W डैश R बनाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि तीन ही पोजीशंस ऑब्वियसली W R यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या इन पोजीशंस पे आएगा। V इज बिहाइंड W, तो V आ गया मेरे पास W के पीछे। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी टी, अब मुझे नहीं पता ये पी और टी कहाँ है, तो पी और टी में एक पर्सन, आगे पीछे की डायरेक्शन भी नहीं पता। टी हु इज नॉट नेबर ऑफ एस एंड क्यू, और टी जो है वो एस क्यू का नेबर नहीं है। क्यू हु सिट्स बिहाइंड एस, और क्यू जो है वो एस के कहाँ बैठा है? बिहाइंड, पीछे बैठा हुआ है। एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, यू सिट्स बिहाइंड ऑफ वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के जो एकदम से लेफ्ट में बैठा है उसके पीछे यू बैठे। एक इंफॉर्मेशन ये आ गई मेरे पास, ठीक है। यू सिट्स टू द राइट ऑफ टी, यू जो है वो टी के कहाँ बैठा है? राइट में। अच्छा अब इन दोनों को क्लब करूं क्या बनेगा? डैश एक्स टी यू और पी टी में वन का गैप, एक ये इंफॉर्मेशन आ गई, इसको काट देते हैं, बताइए यहां तक क्लियर? अच्छा अब इन दोनों को क्लब करते हैं, अगर मैं डब्ल्यू आर यहां रखूं तो वी इधर आएगा,
मेरे पास टीयू भी बन जाएगा आराम से, लेकिन अगर मैं डब्ल्यू आर इधर रखूँ, वी इधर आया, तो क्या टीयू पी बनाने की जगह बचेगी? अगर मैं यहाँ वी और यहाँ पे डब्ल्यू आर रख दूँ, तो क्या ये टीयूपी बनाने की जगह बचेगी? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू आर मेरे पास कहाँ पर आएगा? ऊपर वाली पोजिशन पे। ठीक है, डब्ल्यू आर यहाँ आ गया मेरे पास, वी एक्स टी यू पी, देखो सारा का सारा क्वेश्चन आराम से बन गया। एस और क्यू एक दूसरे के पीछे बैठेंगे, हु सिट्स टू द राइट ऑफ यू, तो आंसर आ गया पी। ठीक है, चलिए। क्लबिंग बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन लिखना और उसको क्लब करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। चलिए, नेक्स्ट लास्ट पजल है आज की। इसमें हमारे पास 8 पर्सन हैं और 4 महीनों पे बैठे हुए हैं ये। तो एक है 6th और 25th मार्च, के बाद आता है मेरे पास जून 6/25, उसके बाद आता है मेरे पास जुलाई 6 और 25, और उसके बाद लास्ट में आता है अगस्त 6 और 25 तारीख। मार्च में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज और अगस्त में भी 31 डेज। 2 पर्सन वॉज बॉर्न ऑन ईच मंथ, ठीक है, नो 2 पर्सन आर बॉर्न ऑन सेम डेट, वो भी ठीक है। एव वॉज बॉर्न इन इवन नंबर डेट बट इन अ मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब जून में पैदा नहीं होगा एफ और 25 तारीख को पैदा होगा। एफ 25 को पैदा होगा लेकिन जून में पैदा नहीं होगा। डी वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर एफ, डी जो है वो एफ के एकदम बाद पैदा हुआ है। तो बेटा अगर एफ यहाँ पे होगा तो क्या डी बन पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ भी नहीं हो सकता, अगस्त में भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास यहाँ पर एफ बनाने की 2 पोजीशंस बची, एक मार्च और दूसरा जुलाई। देखो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा अच्छे से किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया और किस तरह से इसको करना है। ठीक, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर सी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डी। तो डी से पहले कितने लोग? 2। तो सी के बाद कितने लोग? 2। डी से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे भी कितने होंगे? 6। जी वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर सी, जी जो है वो सी से एकदम पहले पैदा होगा, तो यहाँ आ गया जी। 3 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड ए, 1, 2, 3, तो आ गया यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ आ गया ए। ठीक, ए वॉज नॉट बॉर्न इन जुलाई, लेकिन यहाँ तो ए कहाँ पे पैदा हो गया? जुलाई में, विच इज नॉट पॉसिबल। एच वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर ई, ई के एकदम बाद एच पैदा होगा और बच्चा कौन? मेरे पास बच गया बी। ठीक है, तो एच वॉज बॉर्न ऑन विच डेट, एच कौन सी तारीख को पैदा हुआ? तो आंसर इज 25th ऑफ अगस्त। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। आई होप आप ये सेशन ये पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने डाउट्स जो है वो इस मेल आईडी पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।